बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पर्सनल स्केजुलिंग की प्रॉब्लम को यूज इन पाइथन पल्प सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से है कि इम्प्लाइज जो है वो 5 कंजेक्टिव डेज काम करते हैं और 2 कंजेक्टिव डेज उनको रेस्ट मिलती है, और जो नंबर ऑफ इम्प्लाइज की डिमांड है फॉर ईच डे वो यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक मंडे को 110 इम्प्लाइज चाहिए, ट्यूसडे को 80 की डिमांड है, वेनसडे को 150 इम्प्लाइज रिक्वायर्ड है, एंड सो ऑन। अब 5 डेज कंजेक्टिव का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो 7 है। किस तरह से, मतलब इम्प्लाइज जो अगर शिफ्ट 1 में काम करता है मतलब वो 1, 2, 3, 4 ये 5 डेज काम करेगा। माइट बी पॉसिबल कोई इम्प्लाइज ट्यूसडे से सैटरडे काम करें वो शिफ्ट 2 हो जाएगी। माइट बी पॉसिबल इम्प्लाइज जो है वेनसडे से संडे तक काम करें, देन थर्सडे से मंडे तक काम करेंगे और ट्यूसडे वेनसडे उनको ऑफ मिलेगा। जो फ्राइडे की शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे 3 और 2 5 ट्यूसडे तक काम करेंगे, सैटरडे से जो स्टार्ट करेंगे वो वेनसडे तक काम करेंगे, और जो संडे से स्टार्ट करेंगे वो थर्सडे तक करेंगे। तो यहाँ पे देखें मंडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू सैटरडे है, सो ऑन संडे टू थर्सडे। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर केस में वो 7 है। अब हमने इम्प्लाइज जो हायर करने हैं हमें उसको मिनिमाइज करना है, वी वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इम्प्लाइज हायर सो डैट कि हमारी कॉस्ट जो है वो हायरिंग की कम हो, और 5 कंजेक्टिव डेज उन्होंने वर्क करना है और 2 कंजेक्टिव डे उनको छुट्टी मिलेगी। तो जब हम इसका फार्मूलेशन करेंगे मॉडल की तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज करना है हमने एक्स आई को। एच आई क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एम्प्लाइज जो आप हायर कर रहे हैं, एच 1 शिफ्ट 1, ये शिफ्ट 2 के अंदर, शिफ्ट 3 में, 4 में, 5, 6 और 7, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाइज आ रहे हैं कि आपने किस किस शिफ्ट में कितने एम्प्लाइज हायर करने हैं। सब्जेक्ट 2 में ये आपके पास स्टेटमेंट अगेन आ जाएगी, जो वर्कर्स आपके पास 5 कंजेक्टिव डे काम कर रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ होंगे, जो आपके पास मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और संडे काम करेंगे, कुछ मंडे ट्यूसडे वेनसडे सैटरडे और संडे काम करेंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोसेस वो यहाँ पे इलस्ट्रेट किया हुआ है, और यहाँ पे वर्कर्स की डिमांड जो है मंडे ट्यूसडे वेनसडे टू संडे तक अवेलेबल है, और यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है, ये जो एच आईज हैं आपके पास वो इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल शिफ्ट दैट इज 1 to 7। तो मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं वो हर 8 शिफ्ट के लिए होंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट हमारे पास 7 अवेलेबल है। ओके, सो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन पल्प को यूज़ करेंगे, और सबसे पहले तो यहाँ पे पल्प को इंपोर्ट किया जा रहा है, देन हम यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉब के नाम से वेरिएबल डिफाइन किया जिसको हम इक्वल टू कर रहे हैं एलपी प्रॉब्लम जो कि फंक्शन है पल्प लाइब्रेरी का। अब हम इसका नेम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पर्सनल स्केजुलिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे पर स्केज के नाम से इसका नेम डिफाइन कर रहा हूँ, और आगे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग की मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। देन मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करना है जिनका सेंटर्स कुछ इस तरह से है, लीनियर प्रोग्रामिंग वेरिएबल। सबसे पहले आप वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं, देन लोअर बाउंड बताते हैं, अपर बाउंड डिफाइन करते हैं, और कैटेगरी। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं अपर बाउंड में वो मैक्सिमम लाइक पॉजिटिव इन्फिनिटी है, कैटेगरी के अंदर जो टाइप है वो कंटिन्यूस है, और हमारी इस पर्टिकुलर केस में यही 2 चीज़ें यूज़ होनी है, डायरेक्ट साइन को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग है। अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। लोअर बाउंड जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से है क्योंकि हमें यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी की कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, दैट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, सो हम यहाँ पे लोअर बाउंड्री वैल्यू को 0 सेट किया है, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नेम जो है टोटल H1, H2, H3 से H7 था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे हमने इनकी वेरिएबल की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर दी। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं दैट इज H1 plus H2, H3 up to H7, और फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट को ऐड कर लिया, एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रेंट जो हमने यहाँ पे मैंने आपको मॉडल की फार्मूलेशन में डिफाइन की है, एक्सप्लेन की है, वही एग्जैक्टली यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट को ऐड किया। देन अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं जी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को,
और ये देखिए हमारे पास इसकी डिस्प्ले स्टेट आ गई और ये उसकी वेरिएबल्स आ गई। यूजिंग द प्रोब, सिंपल प्रोब लिख के एंटर करेंगे, लाइक रन करेंगे जब तक तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, तो हम प्रोब डॉट सॉल्व का फंक्शन यूज़ करेंगे। वन का मतलब ये है कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है। देन हम प्रिंट करा सकते हैं स्टेटस, एलपी स्टेटस प्रॉब्लम डॉट स्टेटस। ये हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर हमने कॉल किया है इस लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेटस के फंक्शन में, और इसको हमने नेम डिफाइन किया है जिसको आउटपुट रिलीज स्टेटस के साथ शो करवा रहे हैं। तो प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिखा आ गया ऑप्टिमल। दोनों का सेम ही मतलब है, शो करवाने का मेथड डिफरेंट है। इस तरह से शो करवा रहे हैं तो ये टेक्स्ट की फील्ड में, यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड में। सो ये प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। सो अब हम यहाँ पे उन वेरिएबल की वैल्यूज को तो देख लेते हैं वो क्या होंगी। दैट इज प्रॉब डॉट वेरिएबल्स, और प्रिंट फंक्शन में यूज करेंगे वी डॉट नेम के साथ इक्वल टू और वी डॉट वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल के अगेंस्ट उसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। और देन हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्रिंट करवा लेंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लाइज जो है वो हमने हायर करने थे और ये हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो आ गई, और ये अदर हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से पर्सनल स्केचलिंग की प्रॉब्लम को यूजिंग द पाइथन पल्प सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।